इनके लब रंगी मिठावर के जिसने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। शेख अहमद हैं, ये मालूम करते हैं कि अगर ईशा की सुन्नतों की 4 रकात की नियत बांधी लेकिन उसमें नियत बांधते वक्त मुंह से वक्त जो है वो ईशा के बदले कोई और निकल गया, मसलन जोहर या असर का बोल दिया जबकि दिल में नियत ईशा की नमाज़ पढ़ने का इरादा ही था, तो ऐसी सूरत में 4 रकात नमाज ईशा की होगी या जोहर असर की, या फिर नमाज तोड़ दें या फिर उसको दोबारा पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ें? देखें, अगर मसला इस तरीके का है कि कोई शख्स कोई नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और वो नमाज़ पढ़ने से पहले उसके दिल में उसी नमाज़ पढ़ने का इरादा है, मसलन उसने वज़ू किया ईशा पढ़ने की नियत से और उस वक्त भी उसके दिल में नियत हाजिर थी कि वो ईशा के लिए वज़ू कर रहा है, ईशा के लिए मस्जिद में जा रहा है और ईशा की नमाज़ ही पढ़ने खड़ा हुआ है, लेकिन नियत बांधते वक्त उसके मुँह से ये किसी औरत के मुंह से वज़ू करते वक्त दिल में नियत नमाज के मौजूदा वक्त की थी, मसलन मगरिब या ईशा के लिए नमाज़ पढ़ना चाहती थी, वज़ू भी करा इसी नियत से कि ईशा का वक्त हो रहा है वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँ, तो उसके बाद भले ही उसने मुंह से ये अल्फाज ना कहे हों मगर दिल में काम करते वक्त प्रैक्टिकली उसको पता है कि वो क्या कर रही है, किस नियत से कर रही है, और फिर जैसे ही नियत बांधी उसके मुँह से जो वक्त निकला कोई दूसरी नमाज का निकल गया, तो ऐसी सूरत में इससे नमाज पे फ़र्क नहीं आता जबकि उसके दिल में नियत सही हाजिर थी, नियत बांधते वक्त वज़ू करते वक्त या मस्जिद जाते वक्त, लेकिन मुंह से जोहर या असर का वक्त जो है निकल गया कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज जोहर की जबकि पढ़नी ईशा की थी, तो ऐसी सूरत में वो नमाज ईशा की ही अदा होगी। और अगर मसला ये है कि उसको ख़ुद याद नहीं आया कि उसने कौन से वक्त की नमाज़ बांधी है जोहर या असर, इसमें वो ख़ुद कन्फ्यूज़न है, तो इस सूरत में नमाज दोहराई जाएगी, लेकिन अगर नियत बांधते वक्त पक्का इरादा ईशा का था तो मुंह से अगर जोहर या असर गलती से निकल गया तो इसी सूरत में इस नमाज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं, और इस तरह अगर नियत किसी ने बांध भी ली गलती से तो नमाज़ तोड़ी नहीं जाएगी बल्कि पूरी करी जाएगी, दोहराने का अगर हुक्म होगा तो नमाज़ मुकम्मल करने के बाद दोहराने का हुक्म होगा, नमाज नियत बांध लेने के बाद नमाज को तोड़ा नहीं जाता, चंद मुख्तलिफ सूरतें होती हैं जहाँ नमाज को तोड़ा जाता है वरना नमाज को तोड़ा नहीं जाता, और इस सूरत में ना तो तोड़ा जाएगा और ना ही नमाज दोहराई जाएगी, ये नमाज जो है ईशा की अदा हो जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवा।